की सौंधी मूंग दाल से बनने वाली पीली खिचड़ी और मसालेदार मटन फ्राई और उसके साथ जबरदस्त जाने वाली तीखी चटनी, इन तीनों में से एक भी मिसिंग हो तो मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों, मैं हूँ सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेमस खिचड़ी कबाब की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कप चावल ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने बढ़िया क्वालिटी के छोटे पुलाव चावल लिए हैं, खिचड़ी के लिए बेस्ट रहेंगे। इसी में 2 कप चावलों के लिए 1 कप पीली मूंग दाल लेकर 1-2 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे और भिगोकर साइड में रख लेंगे। एक भगोने में करीब 3 टेबलस्पून तेल गरम करके इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। खड़े मसालों में हम लेंगे 5 से 6 लौंग, 1.5 इंच दालचीनी, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1.5 चम्मच जीरा और 2 तेजपत्ता। इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज के स्लाइस कट की हुई करीब 100 ग्राम प्याज। प्याज को 2 मिनट तक तेल में तल लेंगे। जब इसका रंग हल्का सा सुनहरा होने लगे तो इसमें 1.5 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसे भी खुशबू आने तक अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 5-6 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन्हें भी 30 सेकंड के लिए तेल में फ्राई कर लेंगे। फिर पीछे से इसमें शामिल कर दें भिगो कर रखे हुए चावल और मूंग दाल। इन्हें भी 5-7 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनते जाइएगा, 5-7 मिनट में चावल करारे हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे 6 कप पानी। हमने 2 कप चावल और 1 कप मूंग दाल लिया था, इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 6 कप पानी। थोड़ा सा नमक डालकर एक बार मिक्स कर लीजिएगा। फिर ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर उबाल आने तक इसे पकने दीजिए। उबाल आने के बाद एक बार और इसे मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम लो करके चावल के दम होने तक इसे अच्छे से पकने देंगे। खिली खिली सौंधी खुशबू वाली खिचड़ी बनकर एकदम तैयार है। अब देखते हैं मटन मसाला कबाब की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने 1/2 kg बोनलेस मटन के इस तरह के 1 इंच के पीसेस कट कर लिए हैं। सीधे इसे कुकर में ले लेंगे और इसमें 1 कप पानी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1.5 चाय चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, दही गोश्त के साथ बहुत अच्छा जाता है। अब कुकर का लिड लगाकर 3-4 विजल आने तक और गोश्त के गलने तक पका लेंगे। हमने गोश्त के पीसेस छोटे रखे हैं तो गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। अगर आपको कुकर में आइडिया ना हो तो आप भगोने में बना लीजिएगा, गोश्त सही गलेगा। बस ध्यान रहे कि गोश्त ओवरकुक नहीं होना चाहिए। एक कढ़ाई में 1 पाव कप तेल डालकर गरम कर लें और इसमें शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज की स्लाइस कट की हुई प्याज और प्याज को सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी करी पत्ती और इन्हें भी 30 सेकंड के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे। करी पत्ती और हरी मिर्च को इस तरह से आगे तेल में फ्राई करने से इसका फ्लेवर अच्छे से रिलीज होगा। अब इसमें शामिल करेंगे मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ लाल टमाटर और गला हुआ गोश्त। इसका जो ग्रेवी रह गया है इसे हम लास्ट में यूज करेंगे। इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब क्या, बस टमाटरों के नरम होने तक और ऑयल के सेपरेट होने तक गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है और गोश्त भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर शामिल कर देंगे ग्रेवी जो गलने में बच गया था। अब इसे भी तब तक पका लेंगे जब तक के ऑयल सेपरेट ना हो जाए और ग्रेवी अच्छे से नज़दीक ना आ जाए। आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर रेसिपी को फिनिश कर देंगे। लग रहा है ना जबरदस्त। बस कमी रह गई है सिर्फ चटनी की, तो चलिए इसे भी फटाफट देख लेंगे। 50 ग्राम कच्चे नारियल को हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। इसी तेल में एक चम्मच जीरा और 7-8 हरी मिर्च डालकर 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। इसमें एक गड़ी पुदीने के पत्ते शामिल कर दें। मैंने यहाँ पर तड़के वाला पैन लिया है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। आप थोड़ी बड़ी कढ़ाई ले लीजिएगा, आसानी हो जाएगी। अब इस पुदीना हरी मिर्च जीरे को मिक्सर जार में लेकर इसी में 2-3 कच्ची लहसुन की कलियाँ, तला हुआ नारियल, स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच इमली का पेस्ट डालकर इसे बारीक पीस लेंगे। नेक्स्ट इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज की मोटा मोटा कटी हुई प्याज। इस बार पल्स बटन यूज करते हुए सिर्फ 5 सेकंड के लिए मिक्सर चला लेंगे। देखिए प्याज इस तरह से मोटी मोटी दिखनी चाहिए। सब कुछ बनकर तैयार है। मूंग दाल की पीली खिचड़ी, कबाब मसाला और पुदीने की तीखी वाली चटनी। स्टे कनेक्टेड दोस्तों। थैंक यू।